इधर समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने शनिवार को एक खुला खत लिखा और इसमें शिवपाल सिंह यादव को जवाब दिया। सपा ने पत्र में साफ कहा कि शिवपाल कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टी ने लिखा, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा, कहा कि आप बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो राजभर ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया, कहा कि अच्छा हुआ जो पहले ही तलाक हो गया। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव चमचों और सलाहकारों से घिरे हुए हैं। चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि वो किसी के गुलाम नहीं है। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रसपा के अध्यक्ष और चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की थी और गठबंधन किया था। शिवपाल यादव ने अखिलेश पर सम्मान न देने का आरोप भी लगाया था। वहीं सपा के ट्वीट के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। चलिए इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आलोक जी, लगातार देश प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, क्या यहाँ पर भी आंसुओं का दौर जारी है? देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आज जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र लिखा गया है, खासकर शिवपाल सिंह यादव को लेकर के और ओम प्रकाश राजभर को लेकर, दोनों ही समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोगी हैं और विधानसभा चुनाव जो 2022 का हुआ है ये साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन अगर कुछ दिनों की पहले की बात करें, खासकर जब लोकसभा उपचुनाव हो रहे थे आजमगढ़ के और रामपुर के, तो अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए थे, ना वो रामपुर गए थे ना वो आजमगढ़ गए थे, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे, लगातार वो मीडिया में भी बयान दे रहे थे, सोशल मीडिया में भी उनका बयान चर्चित हो रहा था कि अखिलेश यादव एसी कमरे वाले नेता हैं, वो एसी से बाहर नहीं निकलते हैं और अगर वो बाहर निकले होते तो आज आजमगढ़ की सीट जो है समाजवादी पार्टी नहीं हारती। यानी आजमगढ़ जो रामपुर लोकसभा उपचुनाव हुआ था वो अखिलेश यादव की सीट थी, तो वो सीट नहीं हारती। तो कुल मिलाकर लगातार बयानबाजी हो रही थी, जिसको लेकर अखिलेश भी कई बार, अखिलेश ने उसको बचने की कोशिश की, उन सवालों का जवाब वो नहीं देना चाहते थे, लेकिन कई बार उन्होंने जवाब भी दिया और आज बाकायदा उनकी तरफ उनके निर्देश पर एक पत्र भी जारी कर दिया गया, जिसमें शिवपाल सिंह यादव के लिए साफ साफ ये लिखा गया है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, आपको अगर कहीं ज़्यादा सम्मान मिलता है तो आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ ओपी राजभर के लिए कहा गया कि आप लगातार बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, आपका बीजेपी से गठजोड़ है और समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में अगर आपको कहीं और जाना है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब बता दें कि जिस तरह से लगातार दोनों पार्टियां बयान दे रही थी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ, जहां एक तरफ शिवपाल यादव कह रहे थे कि मेरी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया गया, अगर मुझसे सलाह ली गई होती, जो मेरे कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया गया होता 2022 विधानसभा चुनाव में, तो आज समाजवादी पार्टी सत्ता में होती। इसके अलावा राजभर कहते थे लगातार कि हमको किसी बैठक में नहीं बुलाया जाता है, जो भी बैठक होती थी, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव था, विधान परिषद का चुनाव था या राष्ट्रपति का चुनाव था, और राष्ट्रपति की जो कैंडिडेट थी द्रौपदी मुर्मू, जब लखनऊ आई थी मुख्यमंत्री आवास पर, योगी जी के आवास पर, वहाँ एक डिनर का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें शिवपाल यादव सम्मिलित हुए थे जबकि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर सम्मिलित हुए जबकि वो समाजवादी पार्टी के घटक दल हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जो है घटना चल रही थी, लगातार जो है काफ़ी दिनों से ये बयानबाजी चल रही थी और ये माना जा रहा था कि जल्द ही जो है किसी न किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी और आज वो निर्णायक मोड़ आ गया है। ये भी जानना चाहेंगे कि अखिलेश की दो टूक के बाद ये दोनों नेता क्या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, शिवपाल सिंह यादव के साथ एक समस्या ये हो सकती है कि शिवपाल सिंह यादव जो है जसवंत नगर से विधायक चुने गए हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, तो अकेले वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको अपनी विधायकी खोनी पड़ेगी। तो इसका निर्णय शिवपाल सिंह यादव मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर लेंगे। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो उन्होंने इशारों में ये जरूर कहा था, आज भी उन्होंने इसकी चर्चा की कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, यानी उनका नया ठिकाना बहन मायावती की जो पार्टी है बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी वो होगी। वो कह भी रहे थे कि बसपा दलितों की लड़ाई लड़ती है, बसपा ने बहुत सारे काम किए हैं तो वो मायावती से मिलेंगे, उनके साथ चर्चा
करेंगे, तो कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनको जो है सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की कैटेगरी जो होती है उसकी सुरक्षा दी गई है। 16 पुलिसकर्मी की जो है स्कॉट होगी, उनके तैनात रहेगी उनकी सुरक्षा में। तो कुल मिलाकर तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने सपोर्ट किया है द्रौपदी मुर्मू को, यानी एनडीए कैंडिडेट को, उसका ये फल इनको मिला है। हालांकि वो इस बात से इनकार करते रहे, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत पहले से मांग कर रखी थी, हम लगातार पत्र लिख रहे थे अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो कुल मिलाकर ये लगातार ये समझा जा रहा था, इशारे शोर में बहुत सी चीज़ें होती हैं और राजनेता जो है इशारों में बहुत सारी बात करते हैं जिनको लोग समझ लेते हैं। तो ये माना जा रहा था कि गाहे बगाहे जो है जल्द ही किसी न किसी परिणति पर ये जो लड़ाई है, ये जो बयानबाजी चल रही है दोनों तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और शिवपाल यादव या ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, किसी परिणाम पर पहुँचेगी और इसका जल्द ही कोई जो है एक नतीजा निकलेगा। और आज वो नतीजा निकल गया जब अखिलेश यादव की पार्टी ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि शिवपाल सिंह यादव अपनी रणनीति कैसे तय करते हैं। हालांकि उनकी एक पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, चुनाव से पहले उन्होंने उसको भंग कर दिया था, उसकी सारी कमेटियों को, जो सारी उसके संगठन था उन्होंने भंग कर दिया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि शिवपाल सिंह यादव आगे क्या कदम उठाते हैं। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो उन्होंने बसपा में जाने की बात कही है, इशारों में उन्होंने जिक्र किया है मायावती का, मायावती की उन्होंने तारीफ की है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में जाते हैं कि बसपा में जाते हैं। हालांकि 2017 का जो चुनाव था उसमें ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ लड़े थे, उनकी पार्टी भाजपा के साथ लड़ी थी, उसमें उस सरकार में वो, यानी योगी के जो पहले कार्यकाल था योगी सरकार का, उसमें वो मंत्री थे। लेकिन कुछ समय बाद वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वो लगातार सरकार में रहते हुए सरकार की खिलाफत कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। इसके बाद वो मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया था और फिर उन जो है अपनी राजनीति कर रहे थे। बाद में वो 2022 में समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं लेकिन जो है परिणाम अनुकूल नहीं आए। बीच में विधान परिषद सदस्य को लेकर के भी जो है कुछ मनमुटाव था ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव में। ओम प्रकाश राजभर ये चाहते थे कि उनके बेटे को जो है MLC बनाया जाए लेकिन समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद ये मनमुटाव बढ़ता गया और लगातार जो है राजभर हमलावर रहे, लगातार वो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे। और इसी के बाद अखिलेश यादव के निर्देश पर ये पत्र जारी कर दिया गया है। तो माना जा रहा कि फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं शिवपाल सिंह यादव से और ओम प्रकाश राजभर से। अब ये देखने वाली बात है कि राजभर का अगला कदम क्या होता है और शिवपाल सिंह यादव अब आगे क्या निर्णय लेते हैं। जी जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर बड़ा फैसला लिया है और पार्टी ने शनिवार को एक खुला खत भी लिखा, इसमें शिवपाल सिंह यादव को जवाब दिया गया है।